पिछले दो दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते ठाणे जिले के कल्याण डोंबिवली अंबरनाथ उल्लासनगर और ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह पर जल जमाव की स्थिति देखी गई है। कहीं सड़कों पर ट्रैफिक जाम देखा गया। अनेक घरों और दुकानों में पानी भर जाने से लोगों ने घर खाली कर सुरक्षित स्थान पर चले गए। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार दो दिनों तक जोरदार बारिश होगी। उसी अनुसार ठाणे जिले के कल्याण डोंबिवली अंबरनाथ उल्लासनगर और ग्रामीण क्षेत्रों कल रात से जोरदार बारिश हो रही है। कई सड़कों पर ट्रैफिक जाम देखा गया। जोरदार बारिश के चलते कल्याण नगर हाईवे स्थित वरप से कांबा सड़क पर घुटने तक पानी भरा है। जल जमाव के कारण सड़क पर ट्रैफिक जाम है। गाड़ियों की लगी लंबी कतार को देखा गया। कल रात से हो रही तेज मूसलाधार बारिश के कारण उल्लास नदी में बाढ़ आई, जिससे नदी के बगल की बस्तियों में पानी भर गया। अनेक घरों में पानी भरने से लोग परेशान हुए। कुछ परिवार अपने बाल बच्चों के साथ सुरक्षित स्थानों पर चले गए, लेकिन इस बाढ़ में उनके घर के सामान का काफी। डोंबिवली पूर्व स्टेशन के बाहर सड़क पर भरा घुटनों तक पानी भर जाने से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी और स्टेशन परिसर की अनेक दुकानों में पानी भर गया। सुबह से ही हो रही तेज बारिश के कारण डोंबिवली पूर्व के नांदिवली परिसर में घुटने तक पानी भरने से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। कल्याण और डोंबिवली रेलवे स्टेशन के पास रेलवे पटरियों पर जल जमाव के कारण ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पहुंचा है। ट्रेन लेट होने के कारण स्टेशन पर यात्रियों की काफी भीड़ देखी गई है। ठाणे जिले का सबसे चर्चित कल्याणशील रोड पर घुटने तक जल जमाव की स्थिति देखी गई। साथ ही सड़क पर बने गड्ढे के कारण वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी थी। ट्रैफिक जाम से लोग परेशान दिखे।